क्या क्या आपने फाइंड कर लिया? सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, फिर वेलोसिटी फाइंड करी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। उसके बाद आपने फाइंड करा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब इन सब की एक साथ स्टडी करेंगे, हालांकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी एक साथ हम स्टडी करेंगे। कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहला कौन सा कॉलम था? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अगला वाला क्या है? स्पीड था पहले, स्पीड, स्पीड कितनी है? v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन कितना है? a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको हम दूसरे तरह से एक्सेलरेशन को ये भी तो लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी को हटा करके, अच्छा साइन ओमेगा टी है, और a साइन ओमेगा टी को y लिख दिया हमने, एक्सेलरेशन आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखी थी? रिस्टोरिंग फोर्स कितना था? एफ इजिकल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू एम। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फिर लास्ट में क्या थी? टोटल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। वापस रेफरेंस सर्किल पर आते हैं। ये आपका रेफरेंस सर्किल, और ये पार्टिकल पी है जो रेफरेंस सर्किल के पर सर्कमफ्रेंस पर चल रहा है। एक्स से वाई तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा है? y से x डैश तक आने में एक t बाई फोर और जुड़ गया, t बाई फोर में तो टोटल टाइम हो गया t बाई टू। जब x पर था p तो n कहां था? o पर, और जब x पहुंचा है आपका y पर तो n o से पहुंच गया y तक। n को o से y तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है? उसके बाद n को y से वापस ओरिजिन तक आने के लिए कितना टाइम लगा है? टोटल टाइम लग गया इसको टी बाई टू शुरू करने से लेकर के। फिर वाई डैश तक जाने के लिए टी बाई टू में थोड़ा सा टी बाई टू और जोड़ दो, टी बाई टू में टी बाई फोर और जोड़ दीजिए, थ्री टी बाई फोर। मतलब इस एन के लिए, एन के लिए देखिएगा ध्यान से, टाइम जीरो पर इसकी पोजिशन हो है, टाइम टी पर इसकी टी बाई फोर पर पोजिशन है वाई, टाइम टी बाई टू पर पोजिशन है इसकी वापस ओ, टाइम 3t by 4 पर इसकी पोजीशन है y डैश एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव, और t इक्वल्स टाइम इक्वल्स कैपिटल T पर पूरा हो गया टाइम पीरियड, वापस ऊपर आ गया। तो अब आपने अपने इस मोशन को चार सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। पहला सेगमेंट है 0 से लेकर t by 4 तक का, अगला सेगमेंट है t by 4 से t by 2 तक का टाइम, फिर अगला t by 2 टाइम से लेकर 3t by 4 तक का टाइम, और 3t by 4 से वापस टी तक का, टी पूरा होने तक का टाइम। ओके, अब यहां देखिए, हम पहला टाइम मैं यहां ले रहा हूं, क्या टाइम, ये टाइम हो गया आपका जीरो। ओके, फिर उसके बाद क्या टाइम? टी बाय फोर टाइम। उसके बाद टी बाय टू टाइम,
और फिर उसके बाद 3t by 4 टाइम और फिर कितना टोटल टाइम t। सेगमेंट 4 है, ऑब्जर्वेशन 5 है, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, एक ये। अब डिस्प्लेसमेंट है, देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है a sin ओमेगा t, करेक्ट। टाइम जीरो पर डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं। टाइम जीरो पर कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट, केवल डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड कर रहे हैं, बाकी सब आप करना। ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है एट टी इक्वल्स जीरो। वाई इज इक्वल्स टू होगा ए ओमेगा साइन ओमेगा इंटू जीरो, मतलब वाई इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो इंटू ओ ओमेगा, यानी वाई इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। टाइम जीरो पर वाई की वैल्यू जीरो है, टाइम जीरो पर वाई की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया हमने तो पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट करा, आपने कहाँ से, मीन पोजिशन से स्टार्ट किया, ओके। एट टी इक्वल्स कैपिटल टी बाई फोर, वाई इक्वल्स कितना होगा, देखिए ए ओमेगा साइन ओमेगा को मैं लिख लेता हूँ टू पाई बाय कैपिटल टी, और स्मॉल टी टाइम कितना है हमारे पास, ये है टी बाय फोर। टी से टी कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, वाई इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन पाई बाय टू, यानी साइन 90। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो गया ए ओमेगा। टाइम टी बाय फोर होने पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई कितनी, ए ओमेगा। अगला टाइम स्लॉट कौन सा है, टी बाय टू टाइम पर, एट टी बाय टू वाई इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन टू पाई बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू टी बाय टू, टी से टू कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन पाई, साइन पाई का मतलब साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो, तो वाई इज इक्वल्स टू निकल कर आया जीरो। अब फिर से एक चीज़ और आ गई आपके पास, टाइम टी बाय टू पर डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो है। अगला स्लॉट क्या बना, अगला स्लॉट बना टाइम टी बाय सॉरी थ्री टी बाय फोर, तो वाई इज इक्वल्स टू बनेगा ए ओमेगा साइन टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू थ्री टी बाय फोर, वाई इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 साइन 270, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना बना माइनस ए ओमेगा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम नेगेटिव पर हो गया, ये y की वैल्यू आ गई। अगली y की वैल्यू, जब एक टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो गया कैपिटल T, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा a ओमेगा साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू कैपिटल T कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू a ओमेगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 180 होता है, तो a ओमेगा साइन 0, हाँ 360 साइन 360 0 होता है, y इज इक्वल टू अगेन 0। अब एक और वैल्यू आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू 0 कब t इक्वल टी वाई, t0 पर y की वैल्यू 0 है, t by 4 पर y की वैल्यू a ओमेगा, t by 2 पर फिर से 0 है, 3t by 4 पर माइनस a ओमेगा और t होते होते 0। अब इसे हम यहाँ पूरा फिलअप कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0 a ओमेगा, 0 माइनस a ओमेगा और 0, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद स्पीड रखिएगा, स्पीड का भी निकाल लें, चलो स्पीड का भी निकाल लेते हैं। स्पीड के लिए है v इज इक्वल टू कितना a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है, ये तो बना। अब जरा ध्यान से देखिए, टाइम जीरो पर v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा इंटू जीरो, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, ओके तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये आंसर आ गया टाइम t इक्वल जीरो पर। टाइम t बाय फोर पर कितना आने वाला है,
वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी बाय फोर। टी से टी कैंसिल हुआ, वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू का मतलब कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है कितनी, जीरो। वी इक्वल्स आ गया जीरो, एक वैल्यू ये आ गई टी बाय फोर पर। अगला टी बाय टू पर v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी बाई टू। टू से टू कैंसिल होकर v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन। तो अब v इज इक्वल्स टू कितना बना, माइनस ए ओमेगा। ये आ गई v की वैल्यू। थ्री टी बाय फोर पर लीजिए, ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी 3t बाय 4। तो v इक्वल्स ए ओमेगा कॉस कितना बचा, 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 270, कॉस 270 फिर से जीरो होता है। y इज इक्वल्स टू ए ओमेगा इंटू जीरो, v इज इक्वल्स टू आपका जीरो आ गया। एक और वैल्यू निकल कर आ गई, उसके बाद यहाँ लेते हैं तो v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो गया, वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई, यानी कॉस 360। कॉस 360 की वैल्यू होती है 1 प्लस 1, और वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। क्या क्या आई वैल्यू देखो, ए ओमेगा 0, माइनस ए ओमेगा 0, और ए ओमेगा। स्पीड 0 पर, टाइम 0 पर स्पीड कितनी है, टी बाय 4 पर, माइनस ए ओमेगा 0, ए ओमेगा। एक्सेलरेशन ओरल निकाल लेते हैं, सिंपली यहां फॉर्मूला रख लेते हैं। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 रखा आपने फॉर्मूले में, कितना आएगा एक्सेलरेशन 0। फिर डिस्प्लेसमेंट है ए ओमेगा, आपने वाई की जगह ए ओमेगा रख दिया, तो माइनस ये गलत कर दिया है मैंने, ए, अच्छा वाई का फॉर्मूला ही गलत ले लिया। अच्छा सुप चुपचाप सारे बैठे हुए देख रहे हैं, और ओमेगा है ही नहीं यहाँ, ये बताओ जी, सारे चुपचाप बैठे हुए देख रहे हो, बताओ। देखो यूट्यूब पर देखने वाला भी कहेगा ये पढ़ाने वाला भी पागल है, और इससे पढ़ने वाले भी सारे बेवकूफ हैं, चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। तो पढ़ाने वाला तो है ही पागल, पढ़ने वाले भी सारे पागल ही लग रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए ए रखा आपने तो कितना हो गया, फिर जीरो आएगा, फिर आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, फिर जीरो। रिस्टोरिंग फोर्स में यहां देखिए वाई की वैल्यू आप जीरो सब्स्टिट्यूट कीजिए, जीरो, या सिंपली इसमें एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सेलरेशन में माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए जीरो प्लस एम जीरो। काइनेटिक एनर्जी वाई की वैल्यू जीरो रखिए, कितना बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वाई की वैल्यू ए रखिए जीरो, फिर वाई की वैल्यू कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे। देखो वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो कितना बना आंसर आपका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर जीरो, और फिर हाफ एम, ये माइनस में नहीं आती, काइनेटिक एनर्जी माइनस में नहीं होती कभी भी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रखिए, यहां जीरो रखा आपने तो कितना हो गया, जीरो, फिर आपने रखा ए तो हाफ एम, फिर जीरो, फिर, और आपकी जो ये टोटल एनर्जी है इसमें तो आपका वाई आ ही नहीं रहा, ये सब जगह ही कितनी रहेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ये टेबल आपको अपने कॉपी पर घर से बना के लाएं, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ। फिर कल इससे हम ग्राफ बनाएंगे।